धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह को गोलियों से भून डाला, सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। स्थानीय मंडल कारा में 3 दिसंबर को दोपहर बाद हुई अमन सिंह की हत्या ने जेलों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। धनबाद के मंडल कारा के इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। सनद रहे कि धनबाद मंडल कारा में नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपितों में अमन सिंह, पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित गैंगस्टर प्रिंस खान के भी गुर्गे बंद थे। अभी इलाज के लिए संजीव सिंह रांची रिम्स में भर्ती हैं। इन वजहों से धनबाद के मंडल कारा को काफी संवेदनशील जेलों की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी ओर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तरह तरह की चर्चा होती रहती है। यहाँ के पदाधिकारी भी संदेश के घेरे में रहते हैं। इस वजह से हाल ही में यहाँ के सुपरिटेंडेंट का तबादला किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 25 नवंबर को जिले के उपायुक्त ने भी पुलिस बल के साथ यहाँ छापेमारी की थी। इस दौरान हालांकि कुछ खास नहीं मिला था, पर छापेमारी के मात्र 7 दिन के बाद ही जेल के अंदर गोलीबारी की इस बड़ी घटना ने जेलों में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। अमन सिंह की लाश देखने से पहली नजर में 7 गोलियों के निशान साफ हैं। कुल कितनी गोलियां लगी हैं यह तो पोस्टमार्टम के बाद साबित होगा, पर इस घटना से यह साबित होता है कि धनबाद मंडल कारा में सब कुछ नियम संगत नहीं है। नियमित जेल में जाने से पहले चुनौती तक नहीं ले जाने की अनुमति होने के बाद भी मारक हथियार के अंदर जाने पर सब स्तब्ध हैं। जेल में मिलने आने वालों की जांच होती है। कोई सामान देने भी आया या जेल का कोई सामान बाहर से आता है तो उसकी भी जांच की जाती है, पर इस गोलीकांड ने जेल के अंदर हथियार जाने को लेकर जेल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। किसकी मिलीभगत से हथियार जेल के अंदर गया यह तो जांच का विषय है, पर धनबाद जेल गोलीकांड ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जेल में हथियार जाने के मामले में तह में जाने पर कई खुलासे होंगे। इसके लिए जेल के सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। फुटेज के आधार पर ही आरोपी चिन्हित किए जाएंगे। सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करने वालों के संबंध में भी जांच होनी चाहिए।